देखिए मैं हूँ दिल्ली के रामलीला मैदान में, और रामलीला मैदान में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का जो है विशाल रूप में धरना प्रदर्शन हो रहा है, उत्तराखंड राज्य से तमाम लोग यहाँ पर आए हैं। आइए इनका पहले परिचय जान लेते हैं। मैं रणबीर सिंह पुंडीर हूँ, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का डेलीगेट हूँ, और हमारा पर्वत है सेल दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज एक रामलीला मैदान में इस भ्रष्टाचारी और दमनकारी सरकार की नीतियों के खिलाफ आज हल्ला बोल कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी द्वारा रखा गया है। और हमारे उत्तराखंड पर्वतीय सेल कांग्रेस के अध्यक्ष श्री गोपाल रावत जी के नेतृत्व में आज हम सब लोग, उत्तराखंड के दिल्ली में रहने वाले लोग, सब एकत्रित होकर के अपने गाजे बाजों सहित और अपने वाद्य यंत्रों के साथ आज रामलीला मैदान में मोदी सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ हल्ला बोलने जा रहे हैं। क्या आपको लगता है महंगाई बढ़ गई? महंगाई इतनी चरम सीमा पे है कि आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। वही हो गया कि जीना महंगा जाने सस्ती, लूट मची है बस्ती बस्ती। ये वो सरकार है जो कह रही है कि ये विश्व की सबसे पांचवी अर्थव्यवस्था बन गई है, मगर यहाँ का गरीब, दलित और गरीब वर्ग का जो व्यक्ति है वो सड़क पे पिस रहा है, वो मर रहा है, और उसकी स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि यहाँ तक कि हमारे जो मिडिल क्लास का व्यक्ति है उसको भी आज अपना जीना दूभर हो गया है। दो टाइम की रोटी के लिए बीजेपी सरकार का तो ये कहना है कि पहले गरीबों की थाली में मुद्दे होते थे, अब उनकी थाली खाने से भरी रहती है। गरीबों की थाली से इन्होंने मुद्दों से भर दी है और खाना थाली से निकाल दिया है। इन्होंने कभी थाली बजाओ, कभी घंटी बजाओ, कभी बाजा बजाओ कि राजनीति पे ये काम करने वाले हैं। इसीलिए हमारे जो पूर्वज थे वही इनको कभी सत्ता में नहीं लाते थे, उनको हमेशा विपक्ष में रखते थे, क्योंकि ये विपक्ष का काम कर सकते हैं, हल्ला बोल कर सकते हैं। 400 का गैस का सिलेंडर आज जो है 1100 पे पहुंच गया है, तो इसलिए आम आदमी का जीना बहुत दूभर हो चुका है इस सरकार में। तो ये सरकार बहुत निकम्मी सरकार, रोजगार 45 साल 50 साल से बहुत भारी भरकम स्थिति देश में पैदा हो चुकी है। बेरोजगार जो है नौजवान बेरोजगार है, बेरोजगार सड़कों पे है, अब तो नौजवानों ने इनसे आस ही छोड़ दी है, और बेरोजगार की बात करना इनसे भूल है लोगों की जो इनसे बात करेंगे। विजय कुमार भोर, डेलीगेट दिल्ली। ये महंगाई के खिलाफ पूरा हिंदुस्तान के अंदर, दिल्ली के अंदर महंगाई चरम सीमा पे है। महंगाई रोज महंगाई बढ़ती है, बहुत मीडियम वर्ग, मध्यम वर्ग, गरीब लोग बहुत परेशान है इससे, जो है भूखमरी के रास्ते पे हैं लोग, जो है बहुत परेशान है मोदी की सरकार से। महंगाई और बेरोजगारी से त्राई त्राई मची हुई है, सब लोग बहुत परेशान है, दलित परेशान है, किसान परेशान है, मीडियम वर्ग परेशान है। महंगाई की जीत कैसे चाहते हैं सर? जीत ये मोदी मशीन से जीतता है। मोदी और राज्यों में मशीन से जीतता है, मोदी मीडिया से जीतता है। अगर ये जीत होती तो दिल्ली में क्यों हार गए थे, ये छत्तीसगढ़ में क्यों हार गए थे? ये हाजी मशीन नहीं थी, नहीं मशीन तो थी, मगर इनका जो मैजिक है, ये जो झूठ बोलने की मशीन इनके पास लगी है, ये दाग धुलने की मशीन इनके पास लगी है। हम काम पर जीतते हैं। इनके ईडी और सीबीआई की जो मशीन है वो मशीन काम कर रही है, इसलिए ये चुनाव जीत रहे हैं। दो करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, 2022 तक सब मकान बनेंगे, क्या किया इन्होंने बताइए आप। धन्यवाद।